आज इस पृथ्वी पर 9 देश के पास परमाणु बम हैं, जिनके दम पर ये 9 देश पूरे दुनिया को कभी न कभी धमकाते रहता है और ये साबित करना चाहता है कि मेरे पास परमाणु हथियार है और मैं कभी भी किसी के ऊपर गिरा सकता हूँ। दोस्तों, अब क्या 10वां नंबर पे नेपाल आ सकता है? बहुत सारे हमारे नेपाली मित्र हैं, वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहा था कि सर, नेपाल सरकार का परमाणु नीति क्या है, परमाणु हथियार बनाने का क्या नीति हो सकता है, क्या नेपाल सरकार आने वाले 5 से 10 साल के अंदर में या फिर 20 साल के अंदर में परमाणु हथियार बनाएगा? दोस्तों, इसी बात पे मैं आज चर्चा करूंगा और आप लोग को साफ साफ बताऊंगा कि नेपाल सरकार कैसे परमाणु हथियार बना सकता है और क्या कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, जो 9 देश के पास परमाणु बम है उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है अमेरिका, जिनके पास 6185 परमाणु बम है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है रसिया दोस्तों, जिसके पास 6500 परमाणु बम आता है। नंबर 3 की बात करें तो फ्रांस हो गया, जिसके पास 300 है। नंबर 4 पे ब्रिटेन है, जिसके पास 200 है। नंबर 5 पे चीन हो गया, जिसके पास 290 है। नंबर 6 पे पाकिस्तान हो गया, जिसके पास 160 हो सकता है। नंबर 7 पे भारत हो गया, जिसके पास 150 हो सकता है। नंबर 8 पे इजराइल हो गया, जिसके पास 90 परमाणु हथियार हो सकता है। नंबर 9 पे बहुत महत्वपूर्ण देश है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया, तानाशाह किम जोंग का देश, जिसके पास 20 से 25 परमाणु हथियार हो सकता है। अब मैं बात करूंगा, बहुत सारे मित्र हमसे ये पूछते हैं कि सर, नॉर्थ कोरिया एक गरीब देश है जहाँ खाने के लिए लोग तरसते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से नेपाल से छोटा देश है, तो फिर नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार कैसे आ गया? और नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार आ सकता है तो क्या नेपाल के पास नहीं आ सकता है? नेपाल में कमी क्या है? दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए, नॉर्थ कोरिया का जो परमाणु हथियार है ये नॉर्थ कोरिया का देन नहीं है। इसमें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लेवल का इसमें राजनीति हुआ है, उसके बाद ही नॉर्थ कोरिया के पास यानी कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार आया है। अब मैं बात करूंगा कि भारत और चीन, दोस्तों आप जानते हैं दोनों पड़ोसी देश है और दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, खासतौर पर चीन भारत को अपना पहला नंबर का दुश्मन मानता है और दोनों देश के पास परमाणु हथियार है। तो अब आप बोलेंगे कि नेपाल भी परमाणु हथियार बना सकता है। दोस्तों, नेपाल नहीं बना सकता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि नेपाल सरकार चाहकर भी परमाणु हथियार नहीं बना सकता है, इसका एक बहुत बड़ा मजबूरी है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार कैसे आया। दोस्तों, जब भारत और चीन परमाणु हथियार बना लिया, उसके बाद पाकिस्तान ने बनाया, पता है आप लोगों को, पाकिस्तान जब परमाणु टेस्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान का जो वैज्ञानिक है उसने पैसा के बदौलत, पैसा की लालच में आकर नॉर्थ कोरिया को अपना परमाणु यानी कि किस तरह बनाया जाता है आइडिया दे दिया और उसमें पूरा सहयोग किया था चीन ने। तो ऐसा क्यों हुआ था? दरअसल बात यह है दोस्तों, अमेरिका का दबाव पूरे दुनिया पर बढ़ रहा था, अमेरिका सब देश को परमाणु दम की बदौलत सबको धमका रहा था और सबको ये चेता रहा था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकता हूँ। उसी बीच में दोस्तों साउथ कोरिया यानी कि 1990 तक साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया लगभग सेम कंडीशन पे था, लेकिन 1990 के बाद साउथ कोरिया ने जिस तीव्र गति से रफ्तार पकड़ा है, जिस गति से देश में विकास किया है, दोस्तों सचमुच में चौंकाने वाला है, पूरे दुनिया को चौंका के रख दिया है। साउथ कोरिया एक नेपाल से छोटा देश, क्षेत्रफल के हिसाब से नेपाल से छोटा देश, आज पाकिस्तान से बड़ा जीडीपी साउथ कोरिया का है। आप समझ सकते हैं, नेपाल से छोटा देश है साउथ कोरिया, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उसका जीडीपी 1 ट्रिलियन है। 1 ट्रिलियन बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, उतना जीडीपी पाकिस्तान का भी नहीं है। पाकिस्तान तो अभी कर्ज में डूबा हुआ है, पाकिस्तान का 30% जीडीपी एक तरह से कर्ज है दोस्तों। तो अब बात आती है, उसके कारण से ही नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियार बनाया। जब 1990 के बाद साउथ कोरिया प्रगति कर रहा था और जाते जाते 2000 ईस्वी तक साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से बहुत आगे निकल गया। अब नॉर्थ कोरिया को ये लग रहा था कि आने वाले समय में साउथ कोरिया और अमेरिका मिलके हम पे हमला करेगा और नॉर्थ कोरिया को फिर से
कोरिया में मिला देगा, यानी कि दोस्तों पहले जैसे कोरिया था वैसे ही कोरिया बन जाएगा और फिर से ना कोई साउथ कोरिया रहेगा और ना कहीं नॉर्थ कोरिया रहेगा। इसीलिए नॉर्थ कोरिया में इस बात का भय का माहौल छा गया और वो जानता था कि अब धीरे धीरे साउथ कोरिया और अमेरिका का मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा हो गया है तो मुझे हरा सकता है। तो उसने सोचा कि मेरे पास ऑप्शन क्या है। उसके पास ऑप्शन था रूस और चाइना। दोस्तों रूस और चाइना हुआ कम्युनिस्ट देश, कम्युनिस्ट देश है दोनों और दोनों ने शुरू से ही नॉर्थ कोरिया का मदद किया है। तो रूस तो सीधा तौर पे नॉर्थ कोरिया को परमाणु हथियार देने सकता है क्योंकि रूस पूरी दुनिया में एक जिम्मेवार मूर्ख है दोस्तों, एक जिम्मेदारी उसके ऊपर है। न रूस सीधा तौर पे नॉर्थ कोरिया को कुछ दे सकता है, न चाइना दे सकता है। दे सकता है लेकिन परमाणु हथियार तो बिल्कुल ही नहीं दे सकता है कोई भी देश, क्योंकि परमाणु हथियार देना और उसके बारे में बताना बहुत बड़ा दोस्तों एक तरह से क्राइम होता है ना। तो इसीलिए सबने चूज किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान वहाँ भी बलि का बकरा बना और रसिया और चाइना की मदद से, दोस्तों रसिया तो उसमें लगभग लगभग न्यूट्रल था, रसिया का ज़्यादा हाथ नहीं है, लेकिन चाइना के बदौलत पाकिस्तान ने अपना सारा परमाणु पॉलिसी, सारा परमाणु हथियार का जो बनाने का तरीका है पाकिस्तानी वैज्ञानिक ने नॉर्थ कोरिया को दिया और नॉर्थ कोरिया ने 2005 में अपना पहला परमाणु हथियार बनाया और अमेरिका को चौंकाया और पूरे दुनिया को संदेश दिया कि एक गरीब देश जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो भी परमाणु हथियार बना सकता है। और आज नॉर्थ कोरिया के पास 30 परमाणु बम होने की संभावना है, समझ सकते हैं कितना घातक हो सकता है दोस्तों। अब बात करेंगे नेपाल के बारे में। आप लोग बोलेंगे कि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया में परमाणु हथियार दिया था, क्या उस तरह से चीन और पाकिस्तान इस बार नेपाल का सहयोग नहीं कर सकता है? क्या भारत नेपाल का सहयोग करेगा? दोस्तों इसी बात पे मैं चर्चा आप कर रहा हूँ। ये बात तो जान लो, चीन कभी भी नेपाल का परमाणु हथियार देने के लिए तैयार होगा ही नहीं। आज नहीं दोस्तों, आने वाले 500 साल में कभी भी चीन नेपाल का परमाणु हथियार नहीं देगा। उसका एक कारण है, चीन ने नॉर्थ कोरिया को इसलिए दिया परमाणु हथियार क्योंकि अमेरिका बार बार चीन पर दबाव बना रहा था और चीन भी चाहता था कि अमेरिका के खिलाफ कोई खड़ा हो। तो खड़ा कौन हो सकता है? चीन खुद खड़ा होगा तो बर्बाद हो जाएगा, उसका बिजनेस चौपट हो जाएगा। इसीलिए उसने एक ऐसा आदमी को खोजा जो अमेरिका का ऑलरेडी बहुत बड़ा दुश्मन हो, केवल डूबते हुए तिनका का सहारा चाहिए दोस्तों। वही काम चीन ने किया और जो नॉर्थ कोरिया अमेरिका के प्रति शुरू से ही गुस्सा में था उसको केवल आग दिया और नॉर्थ कोरिया के पास केवल परमाणु हथियार दिया। फिर नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को धमकाना शुरू किया, यानी कि जब जब भी चीन को लगा कि अमेरिका को अब धमकाने की ज़रूरत है तो चीन ने खुद कुछ नहीं कहा, केवल नॉर्थ कोरिया को उकसाया, नॉर्थ कोरिया ने सीधा अमेरिका को धमकाया। और ये बात अमेरिका जानता भी है कि नॉर्थ कोरिया जो भी बोलता है वो केवल चीन की बात बोलता है, क्योंकि चीन जो बुलाता है वही नॉर्थ कोरिया बोलता है। अब बात करूंगा दोस्तों, इसी कारण से ही चीन ने नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार दिलवाया था और पाकिस्तान ने पैसा के लालच में परमाणु हथियार का रहस्य नॉर्थ कोरिया को दिया था। इसीलिए आज पूरे दुनिया में बदनाम भी है पाकिस्तान। पाकिस्तान पर कोई विश्वास नहीं करता है, ना ही चीन पर कोई विश्वास करता है। पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है, पूरे दुनिया जानता है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिरा और पाकिस्तान में ही मारा गया। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, अलकायदा, दोस्तों जितना भी बड़ा बड़ा मतलब टेररिस्ट है, जितना भी बड़ा बड़ा आतंकवादी का संगठन है, चाहे तालिबान हो दोस्तों, सब पाकिस्तान में ही इसका गिरोह है दोस्तों, पाकिस्तान से घिरा हुआ है। और आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर है, हथियार है, जो परमाणु हथियार है, क्या पता आतंकवादी के हाथ में न चला जाए। और समझ सकते हैं पूरे दुनिया को कितना खतरा है। तो अब मैं बात करूंगा कि नेपाल को क्यों नहीं देगा चीन और भारत। दोस्तों नेपाल का अभी परमाणु हथियार का कोई ज़रूरत नहीं है, नेपाल अभी केवल विकास पर ही ध्यान दे तो बेहतर होगा। और नेपाल सरकार ये बात मानता है। मान लो दोस्तों, जिस तरह से चीन के पास परमाणु हथियार है, जिस तरह से चीन विकास किया है और जिस तरह से भारत ने विकास किया है और भारत के पास परमाणु हथियार है, तो चीन तो बिल्कुल ही नहीं देगा नेपाल को परमाणु हथियार का रहस्य, क्योंकि चीन ऑलरेडी भारत से परेशान है। और क्या आपको लग रहा है किसी और नया देश के पास चीन फिर से परमाणु हथियार बनाने का रहस्य दे सकता है? दोस्तों परमाणु हथियार, अब यहाँ तक कि बड़े बड़े देश ये बात कर रहा है कि जितना भी परमाणु हथियार है दुनिया में सबको अब मतलब समुद्र में फेंका जाए। दोस्तों अमेरिका हो या रसिया हो,
सारे देश पे अब सहमति बन रहा है कि जितना भी परमाणु हथियार है सबको अब विनाश किया जाए, उस पर सहमति बन रहा है। इसीलिए आज पूरे दुनिया मिलके ईरान को समझा रहा है कि तुम परमाणु हथियार मत बनाओ, लेकिन ईरान ने बिल्कुल ही जिद ठाना है कि मुझे परमाणु हथियार बनाना है तो बनाना है। उसमें भी चीन अब ईरान का सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ईरान अमेरिका का दुश्मन है और इसी का फायदा उठाता है चीन। जो भी अमेरिका का दुश्मन निकलता है, जो भी भारत का दुश्मन निकलता है, उसका फायदा चीन हमेशा से उठाया आया है। जिस तरह से पाकिस्तान भारत का दुश्मन है तो फिर चीन ने पाकिस्तान का फायदा उठाया, अब चीन ईरान का फायदा उठा रहा है और हो सकता है आने वाले 2-4-5 साल के बाद ईरान के पास भी परमाणु हथियार मिलते को देखे। दोस्तों आज पूरी दुनिया परमाणु हथियार को विध्वंस करने की विचार कर रहा है, सब मिलके एक साथ परमाणु हथियार को बर्बाद करने का प्लान बना रहा है और परमाणु हथियार को फेंक सकता है। दोस्तों मतलब परमाणु हथियार इतना खतरनाक है इंसान के लिए कि क्या पता आने वाले समय में हो सकता है पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाए। दोस्तों दुनिया में इंसान रहेगा तभी तो कुछ होगा, जब इंसान का ही अस्तित्व अब खतरे में आ चुका है तो फिर दुनिया तरक्की करके क्या करेगा। पूरे दुनिया का बड़े बड़े विशेषज्ञ जानता है बात, जब दुनिया में इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। भगवान न करे कभी युद्ध छिड़े, और युद्ध छिड़ेगा दोस्तों वर्ल्ड वॉर 3, तो आप देखना पूरे दुनिया में एक इंसान भी जीवित नहीं रहेगा जो पूरे दुनिया में दुनिया का इतिहास लिख सके। क्योंकि आज पूरे दुनिया में दोस्तों 15,000 से अधिक परमाणु हथियार है जो पूरे दुनिया को लगभग 3 बार तबाह कर सकता है। 3 बार दोस्तों, इतना पावरफुल परमाणु हथियार है। इसीलिए आज बड़े बड़े देश परमाणु हथियार का उपयोग केवल बिजली बनाने के लिए कर रहा है, बिजली बनाता है और साथ में शक्ति संतुलन यानी कि पाकिस्तान जैसे देश को धमकाने के लिए भी काफ़ी है कि मेरे पास परमाणु हथियार है, और चीन जैसे देश को बैलेंस बनाने के लिए भी काफ़ी है। तो नेपाल का इसका कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेपाल का कोई खास दुश्मन नहीं है, एक तरफ चीन है एक तरफ भारत है, और भारत से हमेशा ही नेपाल को अच्छा दोस्ती रहा है, और चीन भी नेपाल पे अब कभी आक्रमण नहीं कर सकता है क्योंकि चीन को पता है अगर चीन कभी भी तिब्बत जैसा नेपाल पे करने का कोशिश करेगा, जिस तरह से चीन ने तिब्बत को ज़बरदस्ती कब्जा किया था और तिब्बत को चीन ने अपने अंडर मिला लिया था और आज तक कब्जा किया हुआ है, अगर चीन नेपाल को ऐसा करने को सोचता है तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों इसका साफ साफ प्रमाण डोकलाम में देख सकते हैं। डोकलाम में भूटान छोटा सा जगह है, उसमें चीन ने अपना दादागिरी शुरू करना चाहा तो भारत ने सीधा रोका था और सीधा बोला था कि तुम यहाँ से जाओ नहीं तो तुम इस बार देखो होता क्या है, और चीन वहाँ से गया था। इसीलिए अब चीन कभी भी नेपाल पर कोई बुरी नज़र नहीं दे सकता है। तो आप लोग पूछेंगे सर कि अगर भारत का इतना डर है चीन के अंदर तो 1959 में चीन ने तिब्बत को कब्जा कैसे कर लिया, भारत देखता रह गया। दोस्तों उस समय मजबूरी था भारत के पास, भारत सरकार केवल अपने देश में विकास पर ध्यान दे रहा था, विकास पे, और सैनिक शक्ति पे बिल्कुल ही फोकस नहीं कर रहा था। उनका मानना था कि विकास ही सबसे बड़ा चीज़ है, लेकिन दोस्तों ये नीति बिल्कुल ही असफल नीति है, और इंसान को विकास से ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने देश का रक्षा करना। इंसान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है अपने देश की सरहदों को रक्षा करना, अपने पड़ोसी को दुश्मनों से बचाना। और दोस्तों आज भारत इतना काबिलियत रखता है कि चीन जैसे देश को बर्बाद भी कर सकता है और तबाह भी कर सकता है, और चीन जानता है ये बात। इसीलिए चीन अब भारत से कभी उलझेगा नहीं, और भारत का जो पड़ोसी देश है